गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज का टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि आनुवांशिक है और बच्चों इनके जीन दैहिक गुणसूत्रों पर लगे होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की तुलना में जिनके की जीन कहां लगे थे, एक्स गुणसूत्र पर लगे थे, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया के जीन बच्चों ऑटोसोम पर लगे होते, अलैंगिक गुणसूत्र पर लगे होते। तो उसके विपरीत इसके कलर ब्लाइंडनेस, वर्णार्धता और हीमोफीलिया जो कि स्त्रियों में ज्यादा होता था, स्त्रियों में कम होता था और पुरुषों में ज्यादा होता था, बच्चों सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया दोनों में समान रूप से व्यक्त होगा, क्योंकि इसके जीन कहाँ लगे हैं, इनके जीन बच्चों दैहिक गुणसूत्र पर लगे। वर्णांधता और हीमोफीलिया में आपने देखा था कि मेल कभी कैरियर नहीं बन सकता, लेकिन सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में मेल और फीमेल दोनों इक्वल रूप से कैरियर भी बन सकते हैं और समान रूप से दोनों प्रभावित भी हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको शादी से पहले इन दोनों बीमारियों का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आनुवांशिक बीमारियां हैं। अगर आपको शादी से पहले पता चल गया कि आप वाहक हैं या जिससे शादी हो रही है वो वाहक है, और अगर आप दोनों वाहक निकले तो बच्चों में होने की संभावना 100% दोनों में से कोई एक वाहक है तो बच्चे भी वाहक बनेंगे, बच्चों में दोनों लोग नहीं होंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ वाहक नहीं होने चाहिए, हेटरोजाइगस इस रोग के लिए नहीं होने चाहिए। बच्चों बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। में बच्चों कहते हैं दांत कोशिका और रक्तता, अब होता क्या है बच्चों, वो सामान्य आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, ये बाय कॉन्केव होते हैं, द्विअंतर गोल होते हैं। और इसमें बच्चों हीमोग्लोबिन भरा होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन का निर्माण बच्चों जीन द्वारा होता है, और ये जीन है HBAG। जीन का नाम है HBAG, जो कि सामान्य जीन है। क्या करेगा? हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी में भरेगा और आरबीसी आपके द्विअंतर गोल रहेंगे। ये ऐसा ही समझिए जैसे आपके गाड़ी की जो टायर का ट्यूब है, अगर उसमें हवा भरी होगी तो गोल होगा, और अगर हवा बच्चों उसमें थोड़ा कम हो जाए तो उसका आकार बदल जाएगा। तो जब तक सामान्य जीन HBA है,
सामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता रहेगा और सामान्य हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आरबीसी को द्विअंतर घोल बनाए रखेगा। अब मान लीजिए एचबीएजी में कुछ परिवर्तन आया, इसमें कुछ उत्परिवर्तन उत्पन्न हुआ और बच्चों ये जी जो कि एचबीए था ये एचपीएस बन गया। ये एचपीएस क्या करेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। सिकल हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं बच्चों, जिससे हीमोग्लोबिन कम बनेगा और हीमोग्लोबिन कम बनेगा आरबीसी का जो आकार कैसा था, द्विअंतर गोल था, वो कुछ इस तरह से हो जाए। बच्चों ये आकार है दांत अथवा दराती अथवा सिकल का, क्योंकि ये जो आरबीसी है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सिकल जैसे हो गए हैं, इसे सिकल सेल कहते हैं। दांत जैसे हो गए, दराती जैसे हो गए, इसे नाम पड़ गया दांत कोशिका। तो पहला इसका यही लक्षण है, ये आरबीसी के आकार को बदल देगा। ठीक है बच्चों, अगर सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, सामान्य जीन होता है एचबीए, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता पर्याप्त मात्रा में, आरबीसी द्विअंतर घोल बनता। लेकिन अगर एचबीए जीन आ गया, एचबीए जीन बदल के एचबीएस में बदल गया, इसमें परिवर्तन हुआ और एचबीएस बन गया, तो क्या होगा, सिकल हीमोग्लोबिन बनेगा और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई, इसका आकार बच्चों बदल जाए, कैसा हो जाएगा, दांत अथवा सिकल जैसा हो जाएगा। दूसरा बच्चों, अगर आरबीसी गोल होते हैं, ये जब रुधिर वाहिनियों में से गुजरते हैं, परिवहन होता है इनका, ये आसानी से बह जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे के साथ चिपकते नहीं है, गोल है। कभी दो चार किलो कंचे लेना, कंचे जो आप खेलते हो उनका ढेर लगाना, ढेर लगेगा ही नहीं, गोल गोल की सतह में कभी स्टक हो ही नहीं सकता, क्योंकि चिपक नहीं सकता। लेकिन जब अगर सिकल सेल जैसा हो जाए, तो बहुत सारे आरबीसी आपस में बच्चों चिपक जाते हैं, तंतु से ऐसी रचना बनती, फाइबर जैसी रचना बनती है, और ये फाइबर जब रुधिर केशिकाओं में से प्रसृत होते हैं, रुधिर केशिकाओं में से परिवहन होता है इनका, ये वहां पे फंस सकते, जिससे इससे इस कैपिलरी के मार्ग को अवरोधित कर दिया। यानी ये कैपिलरी जिस टिश्यू में ब्लड लेके जा रही थी बच्चों, वहां पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचा, ये इसका दूसरा लक्षण। पहला क्या था, सिकल सेल बन गया था, दूसरा क्या है, ये कैपिलरी में फंस सकते हैं। सामान्य आरबीसी कभी भी स्टक नहीं होगा, कभी भी ये परिवहन मार्ग को रोकेगा नहीं, लेकिन अगर सिकल सेल है बच्चों, ये परिवहन मार्ग को रोक सकता है। तीसरा, सामान्य आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 100 से 120 दिन होता है, लेकिन जो सिकल सेल आरबीसी है बच्चों, ये बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। अगर आरबीसी नष्ट हुए, ब्लड में आरबीसी की कमी होगी,
आरबीसी की कमी को बच्चों अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इस रोग का नाम सिकल सेल एनीमिया क्यों है। सिकल सेल इसलिए है कि आरबीसी का आकार सिकल जैसा हो गया है, अरक्तता इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी सिकल सेल जो होते हैं बहुत जल्दी डीजेनरेट होते हैं, ब्लड में जितने आरबीसी होने चाहिए उतने नहीं होते हैं, और ब्लड में अगर आरबीसी अथवा हीमोग्लोबिन कम होता है तो इसे एनेमिया अथवा अरक्तता कहते हैं। बच्चों आपने देखा एक जीव इतने सारे लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, तो एक जीन अगर एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करे तो इस जीन को क्या कहते हैं, जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। हमने पढ़ा था हम स्किन की कलर की बात कर रहे थे बच्चों, ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, प्लियोट्रोपिक बहुत प्रभावितता का, एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, ठीक है बच्चों। अब ये आपने पढ़ लिया कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और क्या क्या उसमें हो सकता है, क्यों ये प्लियोट्रोपी है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि हीमोग्लोबिन जो है एक संयुग्मी प्रोटीन है और इसमें पॉलीपेप्टाइड की चार श्रृंखलाएं पाई जाती है। पॉलीपेप्टाइड की कितने, चार श्रृंखलाएं, दो अल्फा श्रृंखला और दो बच्चों बीटा श्रृंखला। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो बीटा श्रृंखला होती है वो प्रभावित होती है, थैलेसेमिया में दोनों प्रभावित होंगे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में केवल बीटा श्रृंखला प्रभावित होती है। बीटा श्रृंखला में क्या होता है, अगर आप अमीनो एसिड को देखो, बीटा श्रृंखला जो होगी हमेशा बच्चों वेलाइन से स्टार्ट होगी। पॉलीपेप्टाइड का मतलब पता है, अमीनो एसिड का पॉलीमर बनाना है, वेलाइन, दूसरा है हिस्टिडीन, तीसरा है ल्यूसीन, ये बच्चों अमीनो एसिड है, चौथा है थ्रियोनीन, पांचवा होता है प्रोलीन, छठा होता है ग्लूटामिक एसिड और सातवां भी होता है ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड। ये है और इस तरह से पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा, पांचवा और छठा। आपको बच्चों छठे अमीनो एसिड पे फोकस करना है, ग्लूटामिक एसिड। अब अगर आप देखें सिक्स लेसन में आप पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का क्रम और एमआरएनए में जेनेटिक कोड का क्रम एक समांतर रेखीय समांतर होता है, अर्थात अगर हम यहाँ पे एमआरएनए लिखे ये तुम्हारे बीटा श्रृंखला है बच्चों, यहाँ पे एमआरएनए लिखता हूं यहाँ पे क्या होगा, पहला जेनेटिक कोड के, दूसरा जेनेटिक कोड ल्यूसीन के, तीसरा जेनेटिक कोड थ्रियोनीन के, चौथा जेनेटिक कोड प्रोलीन के, पांचवा जेनेटिक कोड, ये बच्चों एमआरएनए है।
एक जेनेटिक कोड पॉलीपेप्टाइड में एक एमिनो एसिड का स्थान का निर्धारण करता है। ग्लूटामिक एसिड के लिए जेनेटिक कोड, ग्लूटामिक एसिड के लिए बच्चों जेनेटिक कोड होता है जी ए जी। ये ग्लूटामिक एसिड को क्या करता है, कोड करता है जी। एमआरएनए पे जीएजी कब आएगा, जब जो जीन है उस पे इसका पूरक न्यूक्लियोटाइड लगा होगा। ये है जी, इसका निर्माण करने वाला बीटा श्रृंखला का निर्माण करने वाला जी, जो कि कहां लगा होगा, क्रोमोसोम पे लगा होगा, गुणसूत्र पे लगा होगा। जीन लगा है गुणसूत्र पे, इसका निर्माण करने वाला बीटा श्रृंखला का निर्माण करने वाला। इस जीन में जो छठा न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो है जी का पूरक, क्या होता है बच्चों, जी का पूरक सी होता है, ए का पूरक टी होता है और जी का पूरक वापस सी। जीन में लगा था कौन सा न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन सैटरडे साइटोडैलिक एसिड, थाइमिडैलिक एसिड, साइटोडैलिक एसिड, ठीक है। और इसका पूरक लगा होता है एमआरएनए पे जी सी, जो बेस पेयर बनाएगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा बच्चों, न्यूक्लियोटाइड होगा वो जी होगा, टी का ये होता है और सी का जी। ये एक सामान्य जीन जो कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का निर्माण करता है। आपको केवल कंसेंट्रेट करना है क्रोमोसोम पे लगा हुआ जीन जो था उसमें सी टी सी था, एमआरएनए पे जो कोड बना उसमें छठा जो कोड था वो जी ए जी, और ये जी ए जी किसका कोड है बच्चों, ये जी ए जी ग्लूटामिक एसिड का कोड। अब होता क्या है वो आपको, तो क्रोमोसोम में जो जीन लगा था उसमें एक अक्षर चेंज, एक बेस पेयर चेंज, कौन सा, टी। टी की जगह बच्चों ए आ गया, एडेनिन आ गया, अर्थात सब कुछ वही होगा। सी ए की जगह क्या होगा बच्चों, टी की जगह ए होगा और सी। ये जीन है जो सिकल सेल का जीन बन गया, यानी ये एचबीएस हो गया, टी की जगह ए आ गया। अब जो एमआरएनए होगा बच्चों वो भी बदलेगा, सी इसका कॉम्प्लीमेंट है जी का, ए अगर ये डीएनए होता तो या फिर टी आता, लेकिन एमआरएनए है टी थायमिन होता नहीं है, उसके लिए यूरेसिल होगा, हो जाएगा और बच्चों सी का जीएजी के बदले, जीएजी के बजाय क्या हो गया है कोड, जीयूजी हो गया। और जीयूजी कोड है बच्चों वेलाइन, यानी इस एमिनो एसिड के बजाय यहां पे क्या लग जाएगा, वेलाइन लग जाएगा। अगर उसको हटा दे मैं वापस देखूं तो पहला कोड, पहला अमीनो एसिड वैलिन, दूसरा हिस्टिडिन, तीसरा ल्यूसीन, चौथा थ्रियोनिन, पांचवा क्रोम और छठा होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन इसकी जगह बच्चों हो गया है वैलिन। केवल एक अमीनो एसिड का स्थान बदला और इतना बड़ा रूप हो गया, केवल एक अमीनो एसिड का स्थान बदला बच्चों और सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए में एक बेस पेयर का स्थान, एक बेस पेयर अगर बदल जाए, जो होना चाहिए था टी हो गया ए, तो
डीएनए की संरचना में अगर एक बेस पेयर एक क्षार युग्म अगर बदल जाए बच्चों से पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया एक क्लासिकल एग्जांपल है प्लियोट्रोपी का और दूसरा क्लासिकल एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन, याद रखना है। ठीक है, आपको पता चल गया कि सिकल सेल क्या होता है, सिकल सेल कैसे होता है। सिंपल, हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, दो अल्फा दो बीटा। बीटा श्रृंखला में बच्चों असामान्यता उत्पन्न होती है, कैसे? बीटा श्रृंखला का निर्माण करने वाला जो जीन था उस जीन में परिवर्तन आया, उस जीन जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम था, बेस पेयर था, क्षार युग्म था, वो बदल गया। क्षार, एक क्षार बदला तो एमआरएनए का जो कोड होगा बच्चों, एमआरएनए पर लगे हुए कोड बदलेगा, एमआरएनए पर लगा कोड बदलेगा बच्चों, तो पॉलीपेप्टाइड पे लगा हुआ एमिनो एसिड बदले, जिससे जो प्रोटीन बनने चाहिए वो नहीं बनेगा। बीटा हीमोग्लोबिन बनना अच्छी नहीं बनता, नहीं बनेगा तो आरबीसी का आकार सिकल जैसा हो गया। अब इसकी वंशागतता देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आपके जैसे बोर्ड में आते हैं, नीट में आते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माँ का सिकल सेल के लिए क्या है बच्चों, वाहक। ये माता सिकल सेल की वाहक है तथा पिता भी वाहक, तो संतानें किस प्रकार की होंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसका जीनोटाइप बनाते, क्योंकि ये जीन कहाँ लगे हैं, ऑटोसोम पे लगे हैं, तो बच्चों ये मेल फीमेल दोनों में जीनोटाइप सेम है। पहला संभावना है HbA HbB, ये दोनों जीन सामान्य है बच्चों, ये क्या होगा, सामान्य हीमोग्लोबिन। दूसरी संभावना है HbA HbS, एक ये है बच्चों, दूसरा एस है, ये दो प्रकार के युग्मक बनाएंगे, अर्थात ये क्या होगा, सामान्य लेके वाहक होगा, ये प्रभावी है बच्चों, सामान्य लेके वाहक। अर्थ है एच पी एस एच पी एस, यानी दोनों जीव सिकल सेल के बन जाए, दोनों असामान्य हो जाए, तब ये सिकल सेल सिकल एच भी आप लिख सकते हैं। इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो एस पे प्रभावी है और सिकल सेल के जीन कहाँ लगे हुए हैं बच्चों, ये अलैंगिक गुणसूत्र पर लगे हैं, तो ये एक अलिंगी गुणसूत्र संलग्न वंशा करता है, जो वंशा करता है ये अलिंगी गुणसूत्र संलग्न लेकिन अप्रभावी वंशा करता है। सामान्य जीन जो है वो प्रभावी है और सिकल सेल जीन जो है ये अप्रभावी है, तो अलिंगी गुणसूत्र संलग्न प्रभावी अप्रभावी
एनएसए में भी ऐसा ही है और सिकल सेल एनीमिया भी ऐसा है। अब कंडीशन क्या थी बच्चों, माता जो थी ये वाहक है, वाहक के लिए जीनोटाइप क्या बनाओगे, एच बी ए एच बी एस। पिता भी वाहक है, वापस एच बी ए एच बी एस। जब युग्मक निर्माण होंगे तो इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि ये विषम युग्मक की है, इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। करना क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे एक चेकर बोर्ड बना दो, जो भी यहाँ पे आपका है माता सामान्य है तो ये सा लिख दो, ये वाले कैरियर है तो ये वाले, और सिकल सेल है वाले हैं तो ये वाले। अब मान लीजिए कि माता पिता दोनों वाहक है, उनको पता भी नहीं कि उनको सिकल सेल है, लेकिन उनके पास जीन है। एक वो क्या लिखो, ये मेल का सिंबल है, पिता के गैमेट मेल युग्मक, दूसरी ओर माता के युग्मक फीमेल गैमेट। ये बच्चों अब यहां पे क्या था, एच बी ए एच बी एस, एच बी ए एच बी एस, एक खाने के ऊपर एच बी ए, दूसरे खाने के ऊपर एच बी एस। यहाँ पे एक खाने के आगे बच्चों क्या लिखोगे, एच बी ए, और दूसरे खाने के आगे क्या लिखोगे, एच बी एस। ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट। अब इनको आपस में जोड़ना, मतलब एच बी ए एच बी, इनको आप साथ साथ लिखना है, एच बी ए एच बी, एच बी ए एच बी ए है, सामान्य है बच्चों, कोई रोग नहीं। या जाओ एच बी ए एच बी एस, या एच बी ए लिखा और उसके आगे नीचे ये लिखा, ये क्या है, आपको पता है कि एच बी एच बी साथ में आएगा ये वाहक हो जाएगा, तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, वाहक होंगे। यहाँ एच बी एस एच बी ए, पहले हम एच बी ए को लिखेंगे, एच बी ए एच बी एस, ये भी क्या होंगे बच्चों, ये भी वाहक होंगे। और लास्ट में ये एच बी एस ये एच बी एस, अर्थात ये सिकल सेल एनीमिया हो जाए। तो माता पिता दोनों क्या होते हैं, वाहक होते हैं, सामान्य बच्चे होने की संभावना, वाहक बच्चे होने की संभावना और सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना बच्चों एक उत्पाद दो उत्पाद एक दो। तो संभावना को देखें, माता पिता अगर दोनों वाहक थे, एक सामान्य आया, दो वाहक आए और एक सिकल सेल वाला, ठीक है। ये था बच्चों सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होगा, क्या होता है और क्यों, संतति में संतानों में कैसे उतरता है। बच्चों इसका एक ही तरीका है, शादी से पहले सिकल सेल का और थैलेसीमिया का जरूर टेस्ट करवाना चाहिए। जन्म पत्री देखने के बजाय बच्चों जीन पत्री देखना आवश्यक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीन या वंशागति वाले लोग हैं, ठीक है, और इनका इलाज यही है, शादी से पहले का आपको पता चल गया दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कुछ जीन कुछ रोग के लिए वाहक है या रोगी है, तो बच्चों में उनकी होने की संभावना। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत कम बनता है, ये एक क्वांटिटेटिव रोग। बच्चों दूसरा हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है थैलेसीमिया, खतरनाक रोग है, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन बनता है लेकिन विकृति वाला बनता है,
जो हीमोग्लोबिन चाहिए वो नहीं बढ़ता, उस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है ही। और इसीलिए अगर ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। बच्चे भी परेशान, बार बार खून चढ़ाना है बच्चों, बच्चे माता पिता भी परेशान क्योंकि खर्चा बहुत आता है, बच्चे भी परेशान क्योंकि बहुत सारे रोग हो जाते, वो भी इसी से रिलेटेड है। हेल्थ वहां पे पहले से भी दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की श्रृंखला दो प्रकार की, एल्फा और बीटा। अगर एल्फा श्रृंखला प्रभावित है तो एल्फा थैलेसेमिया, बीटा श्रृंखला प्रभावित है तो बीटा थैलेसेमिया। एल्फा थैलेसेमिया इसलिए होता है क्योंकि जो एल्फा श्रृंखला है, हीमोग्लोबिन की एल्फा श्रृंखला, जिसके जीन बच्चों 16वें गुणसूत्र पर लगे हुए, वो विकृत हो जाता है। बीटा थैलेसेमिया इसलिए होता है क्योंकि बीटा श्रृंखला का निर्माण करने वाला जीन विकृत हो जाता है, और बीटा श्रृंखला का निर्माण करने वाले जीन बच्चों 11वें गुणसूत्र पर लगे, अल्फा श्रृंखला का निर्माण करने वाले जीन कहाँ थे, 16वें गुणसूत्र के उसके चार विकल्प होते हैं, HBA1, HBA2, HBA2, और बीटा श्रृंखला का निर्माण करने वाले जीन थे वो लगे हुए थे कहाँ पे, 11वें जोड़े गुणसूत्र के उसके दो ही विकल्प है, HBB1 और HBB। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपको तैयार करते हैं, एलेसेमिया भी और सिकल सेल।